ब्राह्मण राक्षस, कच्चा कलवा या फिर मुंजा, नाम अलग है बट एंटिटी एक ही है। आपने स्टोरी मेरी इतनी स्टोरीज है जो आपने देखी होगी, बट जितनी भी स्टोरीज है उन सब में आपने देखा होगा कि जो एंटिटी पैरानॉर्मल एक्टिविटी वो सब किसी को हार्म नहीं करती, वो सिर्फ डराती है। बट ये चीज़ें बिल्कुल अलग है। इन लोग चीज़ों को, इंसानों को मारने में और तड़पाने में, इन्हीं चीज़ों में इन लोगों को मज़ा आता है। बट आप इन एंटिटीज़ को जब तक खुद छेड़ते नहीं हो, इनको इनवाइट नहीं करते हो, जब तक ये आपको हार्म नहीं करेगी। बट अगर आपने इन्हें छेड़ा या फिर इन्हें इनवाइट किया तो ये आपको ज़रूर हार्म करेगी। सो हे, वो सब अय्यूब की जैसे भी होंगे बहुत सही होंगे। आज की स्टोरी हर्ष की है। सो ये हर्ष की खुद की स्टोरी नहीं है, ये उसके दादाजी ने उसे बताई है, और उसके दादाजी की भी खुद की नहीं है, उन्होंने अपने फ्रेंड से सुनी है जो उन्होंने हर्ष को बताई और हर्ष ने हमें बताई है। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। सो जो हर्ष के दादाजी है वो, और उनका जो दोस्त है जिसने स्टोरी सुनाई, ये एक ही मिल फैक्ट्री में काम करते हैं, भुज, कोई लोकेशन भुज, वहाँ पे ये एक मिल फैक्ट्री में काम करते हैं। सो स्टोरी उन्होंने सुनाई, तो हम लोग ये स्टोरी जो उनके दोस्त है उनके पर्सपेक्टिव से सुनेंगे। तो स्टोरी के हम उनके एक रैंडम नाम चूज़ कर लेते हैं, रमेश। तो हम रमेश की ही स्टोरी को अब आगे बढ़ाएंगे। रमेश, रमेश एक फैमिली वाला बंदा है, मतलब उस पर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसी के अकॉर्डिंग वो उसके एक मेल फैक्ट्री में काम करता है। और उसका 10 से 10 का डेली का रूटीन होता है कि 10 बजे मेल फैक्ट्री जाना और 10 बजे वापस आना। सो ये उसका डेली का 12 घंटे का रूटीन है। सो डेली वो 9 बजे यहाँ फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। अब 9 बजे निकलता है और 10 बजे पहुँचता है, और शाम रात को भी वो 10 बजे निकलता है और 11 बजे के करीब वापस घर पे आता है। ये उसका रेगुलर का रूटीन है। अब उसका ऐसा है कि जो उसकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री और उसके घर में लगभग 5 किलोमीटर का डिफरेंस है। 5 किलोमीटर पे डिस्टेंस आता है, जिस डिस्टेंस पे उस टाइम पे बाइक्स वगैरह नहीं होती थी, क्योंकि ये स्टोरी 1960 से 1965 के बीच की होती है। सो उस टाइम पे बाइक्स, बाइसिकल से ही लोग जो भी ट्रेवल करते थे। तो अब रमेश जो बाइसिकल पे ट्रेवल करते थे, अब रमेश का जो रास्ता है, रमेश का रास्ते में ऐसा है कि जैसे 1.5 किलोमीटर फैक्ट्री से 1.5 किलोमीटर आगे चलने पे एक मतलब सुनसान एरिया आता है पूरा, मतलब ऐसा ही कि नॉर्मल रोड आती, कच्ची रोड आती है, और थोड़ा हल्का हल्की घने सा जंगल सा है, मतलब वन साइड जंगल है और वन साइड में शमशान बना हुआ है, मतलब ग्रेवयार्ड है। सो उसका ऐसा होता है, बट वो उसका क्या डेली का आना जाना रहता है, तो वो एक हैबिट बन जाती है ना कि डर नहीं लगता, तो वही सीन है। अब उसे इन चीज़ों से डर भी नहीं लगता, तो वो रेगुलर आना जाना करता है। अब एक दिन की बात होती है जब रमेश थोड़ा सा मतलब लेट हो जाता है, उसे लगभग 11 बज जाती है कि थोड़ा बहुत काम वगैरह ज़्यादा होता है उस फैक्ट्री में, तो 11 बजे के करीब वो निकलता है। अब वो 11 बजे के करीब वहाँ से निकला है फैक्ट्री से, और वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ साइकिल से आ रहा था। अब वो घर की तरफ जैसे जा रहा है, तो लगभग थोड़ी दूर चलने पे, वही 1.5 किलोमीटर चलने के बाद में कि जो बाईसाइकिल है उसकी चेन उतर जाती है। अब चेन उतरी है तो उसे ऐसे तो जाने से रहा, 4 किलोमीटर बहुत दूर पड़ जाएगा उसको करीब, तो वो क्या करते हैं कि वहीं पे रुक के वो बाईसाइकिल की चेन लगाने लग जाता है। उसको 10-15 मिनट लगते हैं वो चेन वापस लगाने में। अब उसने चेन लगाई है, अब वो थोड़ा बहुत थका हुआ भी है, तो वो देखता है कहीं पे वॉशरूम वगैरह कर लेता हूँ। बट जंगल वाली साइड में वो जाना नहीं चाहता, कि जंगल का थोड़ा सा रहता है ना कि एक थोड़ा सा आगे चल के फिर जाओ, और थोड़ा सा टेंशन रहती है कि इतने जंगल में रुक भी नहीं सकते। तो वो क्या करते, जो लेफ्ट साइड में जो शमशान होता है, ग्रेवयार्ड होता है, उसकी वॉल होती है, वॉल होती है, वॉल के बस जस्ट जाके वहीं पे वॉशरूम वगैरह करके अब वो निकलता है। अब वो वहाँ से निकला है, अब वो निकल रहा है, तो वो जैसे बाइसिकल चला रहा है, तो वो देख रहा है कि जो उसके बाइसिकल है, अब वो उसे चलाने में थोड़ा सा उसे ज़्यादा पावर लगानी पड़ रही है, उसे पावर थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि जैसे वो काफ़ी थक चुका है, बट इतना वो थका हुआ नहीं है, क्योंकि उसने अभी तो 1.5 किलोमीटर का ही सफ़र तय किया है। तो बेटा सा एक फील आता है ना कि अंदर से कि मेरे पीछे कोई बैठा है और मैं उसे भी कैरी करके जा रहा हूँ, और उसे ऐसा फील हो रहा है, और उसे पावर भी ज़्यादा लगाने पड़ रही है। बट वो कैसे जैसे करके थोड़ा धीरे धीरे चलते चलते अब वो अपने घर के पास में पहुंच जाता है। वो घर पे पहुंचा है,
बाइसिकल खड़ी की है, खाना वाना खाया और नाइट में सो जाता है। लगभग उस दिन के बाद में जो रमेश है, रमेश के घर में घर के हालात काफ़ी बिगड़ चुके हैं। उसके घर में ऐसा हुआ कि जो घर में पैसे, पहले पैसों की टेंशन इतनी नहीं होती थी, बट अब फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी वीक होती जा रही है। इतनी वीक हो गई है कि अब घर में काफ़ी झगड़ा होने लग गया है कि उसका जो एक बेटा है उसका उसकी और उसके बीच में काफ़ी झगड़ा होने लग गया है। और जो घर में काफ़ी लोग हैं, मतलब घर में उसकी कभी वाइफ, कभी बेटा, कभी बीमार बहुत पड़ते थे, ये अब रेगुलर में होने लगा है। उसकी जो घर की कंडीशन अब बहुत ज़्यादा ऐसे वीक होने लगी है, अब कंडीशन वीक हो रही है। तो वो क्या करता है कि एक पंडित जी को किसी से पूछता भी है घर पे कि थोड़ा बहुत ऐसे, तो जाके आता है उससे सब कुछ नॉर्मल बताते पंडित वगैरह कि ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कमी कभार आ जाता है, ग्रह दोष हो जाएगा कुछ, उसकी वजह से हो जाता है, वो उस चीज़ को इग्नोर कर देता है। ऐसे ही काफ़ी दिन निकल जाते, 15-20 दिन, 1 महीना ऐसे निकल जाता है। बट वो कंडीशन है वो अब सुधर नहीं रही, वो परिस्थिति एकदम सेम वो की वही रह रही है कि घर में कलेश होता है, घर में बाप बेटे आपस में लड़ते हैं, ये रेगुलरता हो गया। अब कुछ चीज़ें बदल नहीं रही है। एक दिन ऐसे इतनी हद हो जाती है कि जो रमेश है, रमेश को आधी रात को अपने घर से जाना पड़ता है। उसके घर में इतनी दिक्कत हुई है कि उसके बेटे से इतनी लड़ाई हुई है कि यहाँ हाथापाई तक बात पहुँच चुकी है। तो वो घर से निकल जाता है। अब वो घर से निकला है, उसके बाद में सुबह तक वापस आ जाता है, फिर वही मिली, फिर थोड़ा गुस्सा शांत होता है, तो फिर रेगुलर फिर वही चलने लग जाता है। और वो चल रहा है, एक दिन क्या होता है कि जो उसकी वाइफ है, रमेश की वाइफ एंड उसकी जो बेटे की बहू है, वो दोनों किसी भजन कीर्तन के लिए मतलब नाइट में चली जाती है। वो नाइट में गई है, और जो रमेश है, रमेश भी अभी अपनी फैक्ट्री ही है, घर पर सिर्फ उसका बेटा है। अब क्या होता है, रमेश का टाइम हो जाता है कि घर पे जाने का। अब रमेश लगभग वही 10 बजे के करीब वहाँ से निकला है, वो घर के लिए निकला है। अब वो घर जब पहुँचता है तो उसे जो आज देखने वाला था, उसके बाद में रमेश हमेशा के लिए टूट जाता है। रमेश घर गया, रमेश घर जाने के बाद में जैसे गेट ओपन करता है, वो देखता है कि उसका जो बेटा है उसने लिटरली सुसाइड कर लिया। ये देख के रमेश बहुत ज़्यादा टूट गया है। उसने इतना देखा कि इस कंडीशन में अपने बेटे को देखा, उसने सोचा नहीं था कि पैसों की वजह से, झगड़ों की वजह से उसका बेटा इतना कुछ कर लेगा। पूरा मतलब घर का जो माहौल एकदम बिगड़ चुका है। अब वो बाहर जाके सीधा चिल्लाता है, बहुत तेज चिल्ला है, रमेश चिल्ला रहा है। तो आसपास के जो पड़ोसी हैं वो सब निकल के आते हैं कि क्या बात हुई। अब सभी देखते हैं कि उसके बेटे ने सुसाइड किया, तो सभी के सभी फिर उसकी जो वाइफ, रमेश की वाइफ है, उनको इन्फॉर्म करते हैं। तो वो फिर भजन कीर्तन जहाँ गए गए थे मंदिर, वहाँ से वापस आते हैं। वो आए हैं, उसकी बहू ने देखा, घर में बिल्कुल एक शोक का माहौल हो रखा है कि सभी की सभी टूट चुके हैं, जैसे परिवार में सभी टूट चुके हैं, क्योंकि ये 4 लोगों की फैमिली होती है, ये 3 लोगों की बन के आएगी, सब बहुत ज़्यादा परेशान है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, जैसे उसका अंतिम संस्कार होता है, उस दिन की बात है जब, अब एक्चुअली क्या होता है कि हमारे हिंदू में जैसे कभी भी किसी का अंतिम संस्कार करते हैं, सबसे पहले उसे नहलाया जाता है। अब उसको जैसे नहला रहे हैं, तो नहलाते हैं तो रमेश की नज़र उसके हाथ पे जाती है। उसने अपने बेटे का हाथ देखा, वो देखते कि उसका जो हाथ है वो एक शेप में जला हुआ है, जैसे किसी ने ऐसे हाथ को पकड़ा हुआ है, पकड़ा था, बहुत तेज पकड़ा था, और उसकी वजह से उसका हाथ जल गया। और ये केवल निशान यहाँ पे नहीं होते, ये निशान उसके गले पे भी होते हैं कि किसी ने यहाँ से पकड़ा हो एकदम, किसी ने नोटिस नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ रमेश ने ये सब चीज़ें नोटिस की थी। रमेश ने किसी को नहीं बताया कि एक बार अंतिम संस्कार हो जाए, उसके बाद में वो एक बार के लिए पंडित जी से जाके पूछेगा ये सब चीज़ें। तो उसके बाद में नहीं होता, जो रमेश के बेटे का उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसके बाद में रमेश पंडित जी के पास में जाता है। रमेश पंडित जी के पास में गया, रमेश ने पंडित जी को सारी बात बताई कि घर में ये हालात हो रहे हैं इसे। तो जो पंडित जी होते हैं वो अपने ही किसी गुरु को बोलते कि मेरे ये सब चीज़ें नहीं देखता, एक बार के लिए आप मेरे गुरु से बात कीजिए। तो उन्होंने अपने गुरु से उन्हें मिलाया, रमेश को उन्होंने अपने गुरु से मिलाया। तो जो रमेश जो गुरु है, वो गुरु रमेश के जैसे रमेश उनके पास में गया, जाते ही जो गुरु है, गुरु हंसने लग जाते हैं। वो जो पंडित जी दूसरे बड़े वाले पंडित जी, वो हंसने लग जाते हैं।
वो बोलते कि मतलब हंसते हुए रमेश को बोलते कि हाँ तूने वही गलती की जिसका परिणाम तू भुगत रहा है। रमेश ये सुन के बहुत शौक में पड़ जाते कि मैंने ऐसा क्या किया। वो बोलते थे कि एक बार मैं तेरे साथ में तेरे घर चलूँगा और तुझे सारी हकीकत तुझे सब समझ आ जाएगा। यही होता है जो रमेश है वो बड़े बड़े पंडित जी को लेके अपने घर आते हैं। वो घर आया पंडित जी क्या करते कि पंडित से घर आए पहले तो सारी देखते हैं उन्हें ऐसे पता नहीं पर फिर भी वो सारी चीज़ें साथ जीतते हैं। उसके पंडित जी क्या करते लेते हैं कुछ बहुत लिया उसको रमेश के यहाँ पे रखते रखा है हाथ पे यहाँ पे रखा है। रखने के बाद में उसे आँखें बंद करो और वो जैसे बंद करता है तो उसे ये सब चीज़ें रिपीट होती है। जब रमेश के लिए आते तो वो जहाँ पे वॉशरूम कराता वो एक का पेड़ होता है और ऑब्वियसली हर कोई जानता है कि पीपल के पेड़ के नीचे मुंजिया ब्रह्म राक्षस होते ही। तो उसी वजह से जो मुंजिया है वो रमेश के साथ में अटैक्ट हो जाता है उसी के साथ बन जाता है। तो यहाँ पे रमेश को फिर एकदम से शौक लगता है रमेश की आंखें खुल जाती है। तो फिर पंडित जी बताते वो पंडित जी से वो खुद ही पहले पूछता है कि महाराज मैंने ये गलती की थी अब मुझे समझ आ गया बट इसका प्लीज मुझे उपाय बताइए क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ भाई मैंने मेरा बेटा खो दिया मेरे पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं रहा। तो पंडित जी बताते कि इसका देखो कोई उपाय नहीं है तुमने ब्रह्म राक्षस को मुंजा को इनवाइट किया उसकी सिर्फ एक ही उसका एक ही सिर्फ उपाय है तुम्हारी मौत। ये सुन के जो रमेश बहुत डर जाता है बट पंडित जी बोलते कि तुम एक काम कार्य कर सकते हो तुम इस घर को छोड़ दो और जितना उसके घर से दूर चले जाओ क्योंकि जो ब्रह्म राक्षस मुंजा है उसने इसी जगह को अपना घर बना लिया है और वो यहाँ से नहीं जाएगा यहाँ से तुम्हें ही अपनी फैमिली के साथ जा रहा होगा और तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से चले जाओ ये तुम्हारे परिवार के लिए और तुम्हारे लिए बना क्योंकि रमेश डर चुका है। अब रमेश के पास में कोई ऑप्शन नहीं है बट फिर भी कैसे जैसे करके रमेश अपनी फैमिली को मनाता है कि हमें ये जगह जान छोड़नी होगी हम कहीं और चलेंगे। उसने अपनी फैमिली को नहीं बताया उसने सिर्फ इतना बोला कि मेरी दूसरी जगह जॉब चलने लग गई है तो हम वहीं चलेंगे। सो ये होता है बाद में रमेश वो जगह छोड़ के फिर चला जाता है। उसके बाद में रमेश की थोड़ी बहुत धीरे धीरे कंडीशन सुधरने लगती है एकदम से नहीं होता बट धीरे धीरे उसके हालात सुधर रहे धीरे धीरे फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक हो रही। बट जो रमेश ने खोया है वो रमेश जिंदगी भर नहीं बोल सकता रमेश वो जिंदगी भर नहीं बोल सकता। सो यही रमेश की स्टोरी थी और यही हर्ष की स्टोरी थी जो हर्ष ने हर्ष के दादाजी ने उनके दोस्त की बताई थी और ये स्टोरी बाद में जो रमेश रमेश है उन्होंने उनके दादाजी को बताई फिर दादाजी ने एक दिन रमेश पर जो हर्ष हर्ष को ऐसे बैठे बैठे बता दी थी। तो वही स्टोरी हर्ष ने शेयर की एंड अगर आपका भी कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो जो आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे शेयर कर सकते हो।